नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल। चले शुरुआत करेंगे और करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। साथ ही आज खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है खिलाड़ियों को। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज को मिला है खेल रत्न अवार्ड। इसके साथ आपको बताते चले कि 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के भी 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। छज्जर की गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर को मिला है अर्जुन अवार्ड। और आगे बता दें कि 8 कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और यहां पर अलग अलग जगहों से जो खिलाड़ी उनको सम्मानित किया गया है। आज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मास्टर वारंट ऑफिसर श्री अंशु कुमार तिवारी, MWO श्री अंशु कुमार तिवारी ने स्काई डाइविंग प्रशिक्षण और डिस्पैचिंग के लिए रात में 250 घंटे सहित 2214 घंटे की उड़ान पूरी की। आपको 73 नाइट जंप सहित 1237 जंप का श्रेय हासिल है। 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय कार्यक्रम हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्काई डाइविंग प्रदर्शन जंप में इन्होंने भाग लिया। अक्टूबर 2020 में खारदुंगला लेह में एक अन्य वायु योद्धा के साथ दुनिया की सबसे ऊंची स्काई डाइविंग लैंडिंग करके सबसे अधिक ऊंचाई पर उतरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कठिन साहसिक खेलों के लिए मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल 2021 से सम्मानित हैं। 3,800 से अधिक सफलतापूर्वक जंप करके 500 से अधिक सशस्त्र बल कर्मियों को पैराशूटिंग और स्काई डाइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया। वारंट ऑफिसर श्री अंशु कुमार तिवारी को साहस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और योगदान के मान्यता स्वरूप वायु साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। मास्टर वारंट ऑफिसर श्री अंशु कुमार तिवारी। श्री परवीन सिंह, श्री परवीन सिंह ने 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा सहित 20 से अधिक हिमालय चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट भागीरथी सेकंड BSF पैरा पर्वतारोहण अभियान के दौरान आपने अपनी रस्सी से 2 पैरा पर्वतारोहियों की सहायता की। इन्होंने CAPF, NTRO, NEPA और म्यांमार पुलिस आदि के 3,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को हाई एल्टीट्यूड लैंड एडवेंचर प्रशिक्षण प्रदान किया। 2013 में केदारनाथ में आपदा के दौरान कालीमठ घाटी में BSF राहत और पुनर्वास मिशन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 2015 में स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमालय, स्वच्छ गंगा अभियान के अंतर्गत दिल्ली से गंगोत्री तक BSF स्वर्ण जयंती माउंटेन टेरेन बाइक साइकिलिंग अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। आपको DGBSF द्वारा 6 बार प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। श्री परवीन सिंह को उनकी सतत प्रतिबद्धता, महत्वपूर्ण योगदान और उत्कृष्ट साहस के मान्यता स्वरूप जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री परवीन सिंह।
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 जैन सम विश्वविद्यालय। वर्ष 2022-23 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस पुरस्कार से खेल प्रोत्साहन के लिए उत्तम विश्वविद्यालय के रूप में पुरस्कृत किया गया जैन विश्वविद्यालय का मानना है कि खेल रुचि के अलावा व्यवहार आजीविका विकल्प है और नवोदित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण तथा विकास प्रदान करता है ताकि उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता से समझौते किया बिना खेल उद्योग में पूर्ण पेशेवरों के रूप में विकसित होने के लिए सहायता की जा सके। सार्वजनिक उत्तरदायी और अग्रणी भावना की एक मजबूत भावना को पोषण करना है। 32 वर्षों से विश्वविद्यालय ने व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रशिक्षण, निशुल्क प्रशिक्षण सुविधाएं और आवास तक निशुल्क प्रदान करके 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों का समर्थन किया है। आज इनके पास 10 ओलंपियंस हैं, इस विश्वास के साथ कि आने वाले वर्षों में और अधिक खिलाड़ियों को ये सहायता प्रदान करेंगे। जैन सम विश्वविद्यालय प्राप्त करने की ओर अग्रसर को नवोदित और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैन सम विश्वविद्यालय पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर चैनराज रॉयचंद, फाउंडर एंड चेयरमैन जैन यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी। ओडिशा खनन नगर निगम लिमिटेड, OMC ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के अंतर्गत हॉकी को बढ़ावा देने हेतु अपना समर्थन और प्रतिबद्धता बढ़ाई है। हॉकी इंडिया के साथ उनकी साझेदारी टीम के प्रशिक्षण, खेल उपस्कर तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी में योगदान करने में सक्षम बनाती है, जिससे उन्हें उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा OMC ने राज्यों में खेलों के विकास के लिए अपने वार्षिक लाभ का 3% निधि देने के लिए राज्य खेल और युवा सेवा विभाग ओडिशा सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विभिन्न खेल विधाओं से जुड़े 12 खिलाड़ियों को आजीविका और खेल में उनके विकास में सहायता हेतु रोजगार प्रदान किया है। ओडिशा खनन कॉरपोरेट को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओडिशा खनन कॉरपोरेशन पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर बलवंत सिंह MD। पुरस्कार ग्रहण किया डॉक्टर बलवंत सिंह MD OMC ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023, प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी वर्ष 1956-57 में संस्थापित की गई ये रनिंग ट्रॉफी है जो उस विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है जिसने खेलों में सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के विजेता को विश्वविद्यालय द्वारा 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और रोलिंग ट्रॉफी की एक छोटी प्रतिकृति दी जाती है। समग्र रूप से विजेता विश्वविद्यालय की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब को वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का विजेता घोषित किया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब
प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधु, डॉक्टर कंवर मनदीप, प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधु, डॉक्टर कंवर मनदीप। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज का कार्यक्रम समाप्त करें।